पूछता है बच्चों अगले क्वेश्चन में, द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। पहली बात तो हमें ये देखना है कि बच्चों रिएक्शन है कौन सी। आप देख रहे हैं कि OH माइनस Br से सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो पहली बात तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक। अब जरा मैं इसके ऑर्डर को पहचानने की कोशिश करूं, तो बच्चों हमने शुरू के क्विक रिविजन सेशन में क्या देखा था कि जो मेरा लीस्ट हिंडर्ड पोजिशन होता है वहां पे एस एन टू होती है ना। लीस्ट हिंडर्ड पोजिशन के अंदर क्या होता है बच्चों, एस एन टू होती है। That two word is not belongs to step. कई बार बच्चे इसको step से ले लेते हैं कि अगर two step reaction है तो SN2 and one step reaction है तो SN1. इसका मतलब कभी भी step नहीं होता बच्चों, गलत बात। इसका मतलब जो होता है वो बताता है order को, है ना। और order हम अगर chemical kinetics की बहुत थोड़ी knowledge भी रखते हैं बच्चों, तो हम final क्या जान पाते हैं कि जो मेरे concentration की power होती है वही मेरा order होता है, है ना। जो concentration की पावर होती है वही मेरा क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन ए में ऑर्डर क्या देखा है, वन, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी में भी क्या देखा है, वन, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी में देखा क्या, वन वन, तो ओवरऑल ऑर्डर हुआ वन प्लस वन डेट इज इक्वल टू टू, जो कि पॉसिबल है। अब जरा ऑप्शन डी को देखते हैं, और ऑप्शन डी में उसने खुद से ऑर्डर लिख रखा जीरो जीरो, मतलब जीरो प्लस जीरो बताने की जरूरत नहीं है कि फाइनल क्या बनेगा, डेफिनेटली जीरो। ऑप्शन सी विल बी माई करेक्ट ऑप्शन। और आप यहाँ पे ध्यान से भी देखो तो जो SN2 वर्ड बनता भी है बच्चों वो ऐसे ही बनता है कि अगर आप यहाँ पे रेट देखोगे तो बच्चों रिएक्टेंट साइड पे देखिए तो रेट जो है दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता करेगा। अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं तो CH3Br के ऊपर भी रेट डिपेंड करेगा, OH- के ऊपर भी रेट डिपेंड करेगा। सो हम लिख सकते हैं इसको, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH-, और इसकी पावर में वन, इसकी पावर में वन, ओवरऑल पावर जब ऐड होंगी तो डेट पावर गोज टू टू। रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, किस ऑर्डर के थ्रू, टू, दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसएन2। तो हमने एक नया चीज यहां इस क्वेश्चन से भी सीख लिया कि कैसे हम SN1 SN2 को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि TF ऐप का, हमारे TF एजुकेशन का उद्देश्य है सिर्फ क्वेश्चन के उस सॉल्यूशन को ना जानते हुए उसके पीछे छुपी हुई कुछ नॉलेज को भी जाने, तो यहां पर अगर हम बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे एक और फॉर्म में पूछा जा सकता है, कैसे, कि अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर CH3Br या OH- इनमें से किसी एक की कंसंट्रेशन के साथ कुछ उतार चढ़ाव करता हूं, या मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं या घटाता हूं, तो क्या मेरे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा सर। क्यों, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन ही तो रेट बता रही है ना। कभी कभार अगर मैं बोल लूं कि अगर मान लीजिए OH- की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली मेरी रेट डबल हो जाएगी। आप इक्वेशन को देख लीजिए, क्लियर है बच्चों बात। सो हमें यहाँ पर एक नई बात भी सीखने को मिली। सो ऑप्शन हमारा था सी करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।